दोस्तों, मैं हूं आपका दासदेव और अपने YouTube चैनल दासदेव ब्लॉग्स के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये मार्केट है, सारी जो गोल्डन टेंपल है मेरे बिल्कुल पीछे, गोल्डन टेंपल की मार्केट है। तो जैसे कि आज हम एक नए ब्लॉग के साथ आए हैं दोबारा। तो दोस्तों, आज हम जो यहाँ पे एक फेमस जो अमृतसरी कुलचा होता है उसका यहाँ पे अपना ब्लॉग वीडियो बनाएंगे। और जैसे कि पहले आपको मेरे पीछे गोल्डन टेंपल दिख रहा था, ये सारी उसकी मार्केट है। तो ये बिल्कुल मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कुलवंत सिंह कुलचा वाला, ये काफ़ी फेमस शॉप है यहाँ पे। तो चलिए आगे यहाँ पे कुलचा भी खाते हैं साथ में, और साथ में आपको दिखाते हैं जो अमृतसरी कुलचा बनता कैसे है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम जो शॉप के अंदर का आपको शॉप भाई 50-60 साल पुरानी है। ये मेरे ग्रैंडफादर साहब ने उन्होंने नाम पे शॉप है, भाई कुलवंत सिंह कुलचे वाले, थर्ड जनरेशन ऐसे शॉप है। इन्हें 50-60 साल हो गए। साढ़े को पाँच तरह के कुलचे होते हैं, आलू गोभी पीन मिठी मिक्स हमारे के पास सब कुछ चलिए। तो थर्ड जनरेशन मैं शॉप पर मैं अभी ज़्यादा काम किया, हाफ मेरे ग्रैंडफादर साहब ही करते थे। तो पहले रेहड़ी होंगी, स्टॉल हों, ढाई तो कई साल पहले 50-60 साल पहले स्टॉल लगता हूँ इस जगह से। उस बाद दुकान एक गली जा डी होर दुकान हैगी है, इतने थोड़े के बंदे बह जाते हैं। लॉकडाउन करके सी घर बंद की हुई है, अंदर भी हड्डी दुकान है, उत्तर 200-300 बंदा किट्ठा बह जाता है। देख सकते हो बन रहे कुर्चे। रास्ते में ही पड़ती है, तो वो आज एक्सप्लोर की और आपको अमृतसरी नान दिखाया कैसे ये बनता है और क्या क्या इसमें स्टफ भरा जाता है सारा। तो सारी डिटेल आपको बताई। तो जो दुकान के ओनर थे, जो थर्ड जनरेशन है जिनके नाम पे दुकान चल रही है, कुलवंत सिंह कुलचा वाले, तो उनकी जो थर्ड जनरेशन थी उन्हीं के जो एक बेटे थे, तो उन्होंने आगे आपको सारा अपनी शॉप के बारे में बताया कि शॉप कब से ये बनी है, तो कितने साल हो गए इसको। तो उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल दासदेव ब्लॉग्स के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।